अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बनाऊंगी चिकन अचारी कढ़ाई, जो कि बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी होगी। इसके लिए देख लेते हैं कि हमने कैसे बनाना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन चल आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर तकरीबन मैं हाफ कप ऑयल डालूंगी। ये मेरे पास प्याज का पेस्ट है, मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए, उसका पेस्ट मैंने हाफ कप प्याज का पेस्ट और 2 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसका प्याज का कलर थोड़ा वाइट वाइट है, जैसे ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा तो हम बाकी के मसाले डालते जाएंगे। चलें जी, हम इसको प्याज को 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये देखें, प्याज हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखें, वाइट से इसका हल्का हल्का गोल्डन कलर पे जाने लग गया। ये प्याज को हमने जलाना नहीं है और इसके बाद आपने क्या करना है, इसे घी हल्का करारा छोड़ा। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आंच मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है। चलिए, इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन। अब ताकि जो अगर हमने लहसुन और सॉरी अदरक और हमने डाला ना सब्ज मिर्च, वो भी अच्छे से साथ में पक जाए और साथ में चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। चिकन को हम अभी से ही रोस्ट कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आंच मैंने मीडियम की हुई है और इसको सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ, ताकि चिकन में जो कच्चेपन की एक महक है वो सारी अच्छे से पहले ख़त्म हो जाए, फिर बाकी के हम इसमें मसाले डालेंगे। चलो, चिकन मैंने मिक्स कर लिया है तो इसको मैं अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेती हूँ। ये देखें, इसको मैंने तकरीबन भून लिया है चिकन को। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप दही डाल दूंगी और ये मैंने चिकन अचारी मसाला लिया है, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो आप इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल देंगे मसाले के और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। चलो, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको अब कवर कर दूंगी। इतनी देर तक मैं कवर करके रखूंगी कि इसका अच्छे तरीके से चिकन हमारा गल जाए और इसका चिकन का पानी जो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। चलो जी, लेट रख के अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको मैं लो आंच पे पकाऊंगी चिकन को, ठीक है, लो आंच पे पका लेते हैं हम इसको कि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए, हम देख लेते हैं कि चिकन हमारा गला है कि नहीं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से चिकन हमारा गल चुका है। ये देखिए, हड्डी से काफ़ी नरम हो गया है और काफ़ी इसका पानी भी निकल आया है, ग्रेवी इसकी बन गई है और ऑयल देखें ऊपर आ गया। ये चिकन के और मसाले के पकने की निशानी है और काफ़ी देखें दही से और प्याज का मसाला बन गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च, अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है आप और डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, आप चाहें तो और डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सब्ज मिर्च, ऐसे बंद सब्ज मिर्चें आपने 3 डाल देनी है और इसको दम पे रख देना है। अभी भी इसकी लो आंच है, इसको दम पे रख दें तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसको बाउल में सर्व करती हूँ। ये देखें, चिकन अचारी कढ़ाई बनके हमारी रेडी हो गई है।
आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका मसाला थोड़ा सा रसपिसा सा रखा है ताकि इसको मैं रोटी से सर्व कर सकूं। और फिर आप मुझे बताना आपको चिकन अचारी कढ़ाई कैसी लगी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, बहुत झटपट वाली मैंने बताई है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें और चैनल पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।